अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए घर बैठे फाइव स्टार होटल में जिस टाइप का केक या पाए वगैरह सर्व किए जाते हैं उस टाइप के एक चॉकलेट केक पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेइंतहा मज़ेदार, सुपर सॉफ्ट। इस केक को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना किसी सिरप की, ना किसी फैंसी फ्रॉस्टिंग की। घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसका जायका भी आम केक से बहुत मुनफरद है। इस केक को आप चाहें तो बेकिंग ओवन में बना सकते हैं, मैंने इसको विदाउट ओवन बनाया है। और ये कि आपको हीटर की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इसमें ब्लेंडर यूज़ किया है। तो आइए इस सुपर यम्मी केक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको मेजरिंग कप्स की भी ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले ये जो चाय का कप है वो मैंने लिया, तो आधा कप डाला है पानी, आधा कप ऑयल, आधा कप चीनी, दो टेबलस्पून कोको पाउडर, और ये चला गया दो टेबलस्पून पाउडर्ड मिल्क फुल फैट, वन टीस्पून मैंने ऐड किया वनीला शुगर, नहीं है तो वनीला एसेंस ऐड करें, वन टीस्पून जाएगा सिरका। और ये वही चाय का कप है जो हर घर में मौजूद होता है, बस उसी को आपने हाफ हाफ ले लेना है। फिर आप इसको ब्लेंडर में थोड़ी देर चला लें और फिर यहाँ पर ये देखिए मिक्सचर स्मूथ हो चुका है। बस अब यहाँ पर एक अंडा ऐड कर दें और दोबारा से इसको फॉर फ्यू सेकंड्स आप ब्लेंड कर लें। अब यहाँ पर आधा कप मैदा और इसमें दो चुटकी मैंने नमक भी मिलाया था और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, इसको आप छान लें और फिर जो लिक्विड मिक्सचर है वो पूरा इसमें ऐड करें और मिक्स कर लें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो भी आप कप इस्तेमाल करें, टी कप वो एक ही कप का आपने हिसाब रखना है। और अगर आपके पास मेजरिंग कप्स हैं तो बस हाफ कप से ही ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 8.5 इंच का पाई पैन, डिस्पोजेबल है ये, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं तो आप 8 या 9 इंच के केक पैन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन पैन को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और फिर पूरा बैटर आपने डाल देना है। पैन में बैटर डालें, इसको थोड़ा सा टैप करें और फिर आप इसको देगची में बेक होने के लिए रख दीजिए मीडियम हीट पर। कोई लो हीट नहीं करनी, कोई हाई हीट नहीं करनी, डायरेक्ट मीडियम हीट पर ही 50 से 60 मिनट लगेंगे और ये बेक हो जाएगा। बाकी ये कि अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तकरीबन 55 मिनट हो चुके हैं और ये चॉकलेट केक पाए जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत ये बेक हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप बेकिंग ओवन का इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये इतना फ्लैट ना बने, और मैंने चूँकि विदाउट ओवन बनाया है तो ये बहुत ही अच्छा फ्लैट केक तैयार हो गया है। बस जब ठंडा हो जाए, बहुत गर्म नहीं, तो आप इसको केक स्टैंड पर या किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। और फिर इस केक के साथ जो टॉपिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है न्यूटेला स्प्रेड, जो कि यहाँ मैंने केक के ऊपर अप्लाई कर दिया है। और अगर आपके पास नहीं तो आप किसी भी ब्रांड की मिल्क चॉकलेट लीजिए और उसको मेल्ट करें और फिर केक पर इस तरह से अप्लाई कर दें, और अगर वो भी नहीं तो फिर आप चॉकलेट गनाश भी लगा सकते हैं। आखिर में इसको डेकोरेट कर दें और ना सिर्फ गार्निशिंग बल्कि इसका जायका भी और बढ़ जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास हेज़लनट नहीं थे, अगर वो हैं तो अगेन वो बेस्ट जाता है इस केक के साथ, बट मैंने यहाँ पे चॉप करके आलमंड्स यहाँ पर ऐड कर दिए। तो लीजिए, आप लोगों के लिए एक ऐसे केक की भी रेसिपी दे दी है कि आप घर बैठे खासकर इस सिचुएशन में सुपर फैंसी फाइव स्टार होटल वाला केक घर पर इंजॉय कर सकते हैं। और मैं नहीं समझती कि इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बिल्कुल ही मिलना जो है वो नामुमकिन हो जाए। ऑलमोस्ट हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और दूसरा ये कि ये रेसिपी आपको शायद ही यूट्यूब पर मिले। मेरी नज़र से तो इस टाइप के केक की रेसिपी जो है वो आज तक नहीं गुजरी, मे बी हो। खैर, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब आप लोगों ने एक काम करना है, इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकंड्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
कर लिया, बहुत शुक्रिया। और ये किरत मेरे पास बैठी हुई है या आप सबको कोई मैसेज देना चाह रही है, बोले किरत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये मम्मी ने मुझे केक बनाया था, इतना मज़ा था और मैंने 3 slices खाए हैं। ओके। इतना डिफरेंट था, इतना मज़े का था। ऐसा केक पहले बनाया था मैंने? आपने कल बनाया था रात में। जी, तो अब तो ये केक ख़त्म भी हो चुका है, राइट? हाँ, ख़त्म भी हो चुके हैं, कोई और केक नहीं है फ्रिज में। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दो में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।